इलेक्शन कमीशन में तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस की समाअत आज होगी। इलेक्शन कमीशन ने बैरिस्टर गौहर और रऊफ हसन को नोटिस जारी कर रखे हैं। चीफ इलेक्शन कमीशन की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन केस की समाअत करेगा। इसी पर बात करेंगे, हमारे नुमाइंदे रेहान शेख हमारे साथ मौजूद है। रेहान, आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, देखिए इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इलेक्शन के हवाले से केस की समाअत आज होगी। जारी जो कॉज लिस्ट के मुताबिक चीफ इलेक्शन कमिश्नर की सरबराही में 5 रुकनी कमीशन आज सुबह 10 बजे जो है वो इलेक्शन कमीशन में इस अहम तरीन केस की समाअत करेगा। और जो कॉज लिस्ट में जो नोटिस जारी किए हैं उसके मुताबिक चेयरमैन तहरीक इंसाफ बैरिस्टर गौहर अली खान और सेक्रेटरी इतलात रऊफ हसन, इनको नोटिस भी जारी किए गए हैं। इससे कबल तहरीक इंसाफ जो है वो अपने इलेक्शन करवा चुका था, जिसे तहरीक इंसाफ ने दुरुस्त करार नहीं दिया था। इसी पादाश में उनसे उनका पार्टी का जो इंतखाबी निशान था वो वापस ले लिया था। दोबारा इलेक्शन कमीशन ने इंट्रा पार्टी इंतखाबात करवाने कहा था और उसके लिए कुछ चीज़ें, कुछ डॉक्यूमेंट्स मांगे थे। उस सिलसिले में जो है केस की समाअत हो रही है और इलेक्शन कमीशन बारहा ये वाजिया कर चुका है कि कभी भी उन्होंने तहरीक इंसाफ के इंट्रा पार्टी इंतखाबात को दुरुस्त करार नहीं दिया था।